उषा राणा जी हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की, हमारे साथ बैठी हुई हमारी मेन बॉडी जिला अध्यक्ष है आरती वाजपेयी जी एंड प्रत्याशी भी रही है। और आज हमारा जो लक्ष्य है सदस्यता अभियान कार्यालय खोलने का, वह यह है कि आरती जी ने और उषा राणा जी ने उन्नाव के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके जब प्रतिज्ञाएं प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं के बारे में जनता से चर्चा करी, महिलाओं से चर्चा करी, तो महिलाओं में एक उत्साह और उमंग जागा। और प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने पर महिलाओं का ये कहना है कि वह कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहती हैं। जो 40% महिलाओं को टिकट वितरण करने का जो ऐतिहासिक फैसला प्रियंका जी ने लिया है, उससे महिलाओं में एक जोश भर आया है और महिलाएं कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखा रही हैं। उसके साथ साथ जो आम जनमानस भी है, उसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक विफल सरकार रही है और इस विफलता को तोड़ने का सिर्फ एक ही पार्टी है जो तोड़ सकती है, वो है कांग्रेस का। ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेंडर 400 का था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर ले लेके दिल्ली पर बैठ जाती थी। आज सिलेंडर लगभग 1000 पार हो गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुए है? तेल ले लीजिए, सामग्री ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, आप कुछ भी उठा लीजिए, महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। प्रियंका गांधी जी ने जो एक बड़ा जिंदा देख के रहे कि ये लड़की हूँ लड़की, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप लोग इतिहास जानते हैं, यदि महिलाओं को बेटियों को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अगर आप उठा के देख लीजिए तो पंचायती राज, ठीक है, जिसमें महिलाएं आज सभासद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य बनी है, उसकी वजह राजीव गांधी ने जिला पंचायती राज लागू करके ये सिद्ध किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ सभासदी और प्रधानी में तो 50% आरक्षण, और इसी तरीके से हम विधायकी में 40% आरक्षण हम लोगों ने चालू किया है महिलाओं के लिए, और महिलाएं बहुत दमखम से लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के भी आएंगी। दूसरा ये है कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, कि ये जो प्रियंका जी ने स्लोगन जो दिया है, जब से लड़कियों में बड़ा उत्साह देखा गया है औरतों महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हर चीज़ का शिकार होती, दबाई जाती, लेकिन उन्होंने प्रियंका जी हमारी नेता माने नेता ने बोला है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, और इससे लड़कियां काफ़ी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं स्मार्टफोन दूंगी उन्हें, स्कूटी दूंगी, जो बच्चियां पढ़ती हैं दूर जाना उनके लिए मुश्किल होता है गांव देहात में, खासतौर से कॉलेज दूर होते हैं, तो उनको एक उससे फ़ायदा मिलेगा, उनको एक नई शुरुआत होगी लड़कियों के लिए। और रहा कितना, जैसे मैम ने बताया कि 10,000 हम लोगों ने टारगेट है हमारा, और अभी तक हम लोग ने अगर लड़कियों को और पुरुष को दोनों को मिला के आप देखेंगे तो अभी हम लोग 150-200 के करीब कर चुके हैं इधर 3-4 दिन ही, और काफ़ी अच्छा इसका जो वो जा रहा है मूवमेंट, बहुत अच्छा जा रहा है। यूपी चुनाव को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए जो महिलाएं, जो हमने जैसे बोला कि तभी कुछ नहीं उन पर जुल्म ज्यादती हो रही है, अभी आपके उन्नाव में ही कांड हुआ था जो बड़ा उसको वो मिला था लाइन नहीं, जो बीजेपी के सरकार ने था सिंगर ने उसका बलात्कार किया था, जो भी उसके साथ जो हुआ था बच्ची के साथ, तो आप देखिए अगर वो लड़की, जो लड़की को अगर 40% हिस्सेदारी मिलती है, लड़की आगे आती है, तो वो इतनी शक्तिशाली खुद होगी कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। ठीक है, ये परीक्षा पेपर लीक हुआ है इसको लेकर क्या? हाँ, अब ये तो सरकार से आप पूछिए कि कैसे लीक हुआ। देखिए बिना सरकार के से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी अफसोसजनक बात है, जिससे कि इससे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा रहता है, और जिन्होंने तैयारी की होगी उनसे पूछिए कि दिल में क्या बीती होगी, उनका तो पूरा बर्बाद हो गया। हमने देखा भी, फोटोज आई थी और कुछ क्लिप्स मैंने देखी कि बच्चियाँ रो रही थी जब ये हुआ। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें लेगी उत्तर प्रदेश? देखिए ये अनुमान लगाना तो अभी से मतलब मुश्किल है, लेकिन जो स्थिति नज़र आ रही है कांग्रेस पूरे दम से हम से नज़र आ रही है, और आप ये देख सकते हैं इस वक्त अगर कोई पार्टी मैदान में उतरी नज़र आ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो किसान का मुद्दा ले लिए, बेरोजगारी का मुद्दा ले लिए, कोई भी मुद्दा ले लिए, किसानों के साथ, गरीबों के साथ अगर कोई पार्टी है, दलितों के साथ, आप ब्राह्मण जितने हैं उनके साथ कितना जुल्म ज्यादती हुई है, कितने मारे गए हैं ब्राह्मण,
तो सबके साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी।